हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्ति मिश्रा किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसकी मदद से आप अपने घर पर ही अपने जो फ्रेश टमाटर हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो खराब भी नहीं होंगे और आप उनको इजीली लंबे समय तक स्टोर भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टमाटर स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ फ्रेश टमाटर, जिसमें से कुछ बड़े साइज के टमाटर है और कुछ छोटे साइज के टमाटर है। यहाँ पे मैंने दोनों साइज के टमाटर इसलिए लिए हैं क्योंकि इनको स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। और साथ ही हमें चाहिए एक स्ट्रॉ और एक जिपलॉक बैग, और साथ ही हमें चाहिए व्हाइट विनेगर। और रैप करने के लिए हम यहाँ पर एक रैप का भी यूज कर रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले जो मैंने ये टमाटर लिए थे, इनको मैंने साफ पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें मैं लगभग 3 ढक्कन इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कर दूंगी। और उसमें मैं अपने सारे टमाटर डाल देती हूँ और इनको हम लगभग 15 मिनट के लिए पानी में इस तरीके से ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं अपने टमाटर को एक किचन टॉवल पर निकाल लेती हूँ, ताकि इनको अच्छे से पोंछ सकूं। और अब इनको पोंछ लेते हैं अच्छे से। और अब खाली प्लेट लेते हैं और अब एक प्लेट में मैंने इनको रख लिया है। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं इस तरीके का जो दाग होता है, उसको हम निकाल देंगे चाकू की सहायता से। ये इस तरीके से जितने भी टमाटर हैं उनके सेंटर का हम निकाल देते हैं। तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स सभी टमाटर के जो सेंटर पे ये दाग होता है वो सब निकाल दिया है मैंने, और सभी टमाटर रेडी हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, जो ये बड़े टमाटर हैं, यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको 4 पीस में डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से रख देंगे। और ऊपर से ये रैप करने के लिए हम इसको ऊपर से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इनको पूरे अच्छे से पैक कर दिया है। और अब नाइफ की मदद से थोड़े से छेद हम कर देंगे इसमें, ताकि जब हम इनको फ्रीजर में सेट करें तो ये जल्दी और अच्छे से सेट हो जाए। ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही हमें छेद करने हैं। इसको अलग रख देते हैं और जो हमारे छोटे टमाटर हैं उनको भी हम सेट कर लेते हैं। जो ये छोटे टमाटर हैं इनको हमें पीछे की तरफ मार्क करना है, 4 पीस करके इस तरीके से निशान बनाना है। थोड़ा छोटा ही निशान बनाना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। ये रेडी है, अब मैं इनके ऊपर भी रैप कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से मैंने रैप कर दिए हैं और इसमें भी हम 1 या 2 छेद कर देंगे बीच में, ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे छोटे टमाटर और ये बड़े साइज के टमाटर दोनों रेडी हैं फ्रीजर में रखने के लिए, और इनको हम लगभग 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सेट होने के बाद कैसे दिखते हैं। और अगर आपके टमाटर अच्छे से सेट नहीं हो पाए तो आप उनको और भी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए,
लेकिन ये जब भी आप इनको फ्रीजर में से निकालेंगी ये एकदम कड़क होने चाहिए, बिल्कुल अभी ये तो सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स मैं इनको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे टमाटर एकदम रेडी हो गए हैं और मैंने इनको लगभग 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब ये देखिए काफी अच्छे से टाइट हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। तो मैं अब इनको निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए एकदम कड़क आवाज आ रही है। तो मैं अपने सारे टमाटर निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये वाले भी रेडी हैं। और अब इनको स्टोर करने के लिए हम इनको एक जिपलॉक बैग में रख देते हैं। ये बैग है, इसमें हम सारे अपने टमाटर डाल देंगे और ऊपर से जिप लगा देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसे हम निकाल देते हैं। अभी भी थोड़ी एयर रह गई है तो मैं फिर से निकाल लेती हूँ। अब बैग सील कर देंगे अपना और अब ये बिल्कुल रेडी है इनको, पर आपको स्टोर करने के लिए फ्रीजर में ही रखना होगा और जब भी आपको जरूरत पड़े टमाटर की तब आप इसमें से निकालिए और एक्स्ट्रा एयर निकालने के बाद अपना बैग बंद करके आप फिर से इनको फ्रीजर में रखकर स्टोर करके रख सकती हैं और लगभग आप इस तरीके से इनको 1 से 2 महीने या और भी ज्यादा रख सकती हैं, ये खराब नहीं होंगे। और साथ ही मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये यहाँ पे एक फ्रीज किया हुआ टमाटर है और ये जो मैंने पीस काटे थे ये वो वाले टमाटर है और मैं अभी इन दोनों को लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रखा रहने दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं। और अब क्या करना है, इनका जो छिलका है इनको मैं आसानी से छील सकती हूँ, ये देखिए। और अगर आप इस तरीके से इनको स्टोर कर रही हैं तो इनको आप ग्रेवी बनाने के लिए ब्लांच करने की जरूरत नहीं है, ये आप इजीली देखिए बहुत ही अच्छे से पील हो रहे हैं और फिर आप इनकी ग्रेवी बना सकती हैं। छिलका निकल गया है, कितनी इजीली ये एकदम मैंने इनको पील कर लिया है और ये रेडी है, इनकी आप ग्रेवी बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी एकदम रेडी है। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी कि आप टमाटरों को लंबे समय तक स्टोर कैसे कर सकती हैं और साथ ही मैंने आपको एक टिप भी दी है कि आप इनको इजीली पील भी कर सकती हैं ताकि आप आसानी से ग्रेवी बना लें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय।